जब हमारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, भगवान श्री राम 500 वर्षों बाद अपने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होकर मंदिर में बैठे थे, जब ही हमारे 1 लाख, हमें 10 लाख रुपए मिल गए थे हमको। जब ही वोटर हैं आप? अभी नहीं है, 1 साल बाद आएंगे अपन। 1 साल बाद आएंगे जी। तो किसे करते अगर वोट डालते? अपन देते मोदी को। अच्छा। मेरे घर में 450 वोट। मतलब जितने भी पूरा खानदान है 450 वोट है भाई। तो इस बार किसको देंगे 450? 450 मोदी के पास जाएंगे। जो राहुल गांधी है? अरे राहुल माहुल गांधी को देखा किसने? राहुल माहुल गांधी को कोई ने नहीं देखा, तो कोई नहीं पहचानता। मोदी? अरे मोदी सही आदमी है साहब। अच्छा, एक नंबर। एक नंबर। राहुल गांधी कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए देंगे। राहुल गांधी गलत बोलते हैं, कभी कछु कह देते हैं, कभी कछु कह देते हैं। उसी के कारण तो सरकार गिरी हुई है। क्या आजकल मशीनें चल रही हैं, जिस हिसाब से काम हो रही है आजकल, मशीनों का काम चल रहा है। पेपर से जो छील लगती है वो बात कुछ और ही रहती है। अच्छा। बाप दादा तो जमाने से चले आए, मैं छील लगाते हुए, अब तो मशीन का कहीं का बटन दबा कहीं का आ रहा है। गौरीशंकर धाकड़। क्या माहौल लग रहा जी? BJP का ही है। अच्छा। बगल में कार्यालय कांग्रेस का, वो तो चलता रहता है कांग्रेस, और क्या। माहौल किसका लग रहा है? मोदी का है। राहुल जी 1 लाख रुपए दे रहे हैं। 1 लाख में हम मॉल नहीं बिकने वाले। हाँ, हम तो फ्री के ही उमदा है भैया, जो दाल रोटी मिल रही है वही अच्छी है यार। मोदी जी अच्छे लगे? मोदी तो जरा से बच्चे से पूछ लो ना, हमसे काय को पूछ रहा है, मैं तो बूढ़ा हूँ। वो भी मोदी बोलेगा? वो भी मोदी बोलेगा। माहौल किसका लग रहा चुनाव में? मोदी जी का ही लग रहा माहौल। वो तो BJP सरकार बनेगी तो बनेगी। बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बगल में आपके कांग्रेस का कार्यालय है, वो तो पहले से फैल है वो। वो तो पहले से ही पहले है वो। हमने सोचा कार्यालय होगा तो बगल में उनके कार्यकर्ता होंगे। हम तो मूंग रखा भी जाते हैं साहब। मूंग रखा रहे और खेत पर रह रहे, जहाँ आते हैं सब चर्चा सुनते हैं और क्या हो। बस राहुल गांधी कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए देंगे। राहुल गांधी गलत बोलते हैं, कभी कछु कह देते हैं, कभी कछु कह देते हैं। उसी के कारण तो सरकार गिरी हुई है। अच्छा। हाँ, नहीं तो बनती सरकार। राहुल गांधी नहीं होते तो बनती उनकी जी। मोदी जी ने कैसे लगते हैं? मोदी अच्छे लगते हैं, काम किया उन्होंने, अच्छे काम किए, गलत नहीं कर रहे। सबको राशन भी मिल रहा है, सबको जो चीज़ की सुविधा है, पानी की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। गौरीशंकर धाकड़। क्या माहौल लग रहा जी? BJP का ही है। अच्छा। बगल में कार्यालय कांग्रेस का, वो तो चलता रहता है कांग्रेस, और क्या। लग नहीं रहा उनका कुछ? अपने हिसाब से तो नहीं लग रहा है। हाथ पैर तो बहुत मार रहे हो। वो तो मारते रहते हैं, और क्या। जनता साथ नहीं देगी उनका? नहीं लग रहा है। राहुल गांधी कह रहे एक मौका हमें दे दो। वो मौका अब नहीं मिल पाएगा उनको। बस हर बार मोदी जी है। मोदी जी हैं, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई हो गई। अब महंगाई तो अभी ऐसा है, वो थोड़ा बहुत तो बढ़ती है, चुनाव आता है तो चुनाव के बाद में महंगाई बढ़ेगी, और क्या। अच्छा, तो राहुल का कोई चांस ही नहीं है? नहीं है। नाम क्या आपका? राम सिंह धाकड़, मुड़िया खेड़ा। क्या लग रहा माहौल? BJP का। कांग्रेस वालों के साथ बैठते हो कि नहीं बैठते? हम नहीं बैठते, बगल में नहीं आंदा ना बैठा, बगल में बनकी सीधी बात। ऐसा क्यों करते हैं भाई? हम तो शुरू दे चले आ BJP पर भाई, बते हैं जो रहे हैं, जो अपने बदला है। राहुल गांधी बोले 1-1 लाख रुपए ले लो, जेब में भर लो, 10-10 दे तो हमारे काम के नहीं है। मजदूरी करे खा ले, मजदूरी कर ही रहे हैं, मगर ना हमें नहीं चाहिए। माहौल किसका लग रहा है? मोदी का है। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं? जे सुपारी बना रहे। हाँ, अब इसे रगड़ेंगे। आप रगड़ेंगे और क्या। तो राहुल गांधी का कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, उसका भी होगा, कछु तो होगा। कछु तो होगा, थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, थोड़ा मिलेगा उसे भी। हाँ, जैसे वो बोले 1-1 लाख रुपए देंगे, भरोसा है? नहीं, भरोसा कोई का नहीं भाई। 1 लाख रुपए कोई देता है? पहले 2-2 लाख की बोली थी, दे देगा, नहीं मिले। राहुल गांधी को वोट देंगे? हाँ, राहुल गांधी को, उनको भी देंगे, तुमको भी देंगे। अब मुख्य वोट है, कहाँ से देंगे? अरे दो ही आदमी को आधा आधा कर लेंगे अपन। हाँ, वोट डलेगा ही नहीं? वोट कौन नहीं डलेगा? आधा आधा नहीं होता, एक पूरा देना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक, तो फिर उनको ही दे देंगे। किसको? जनता वाले को। पीछे कांग्रेस का झंडा खड़ा है। हाँ, तो उससे क्या खड़ा रहने। क्या आजकल मशीनें चल रही हैं, जिस हिसाब से काम हो रही है आजकल, मशीनों का काम चल रहा है।
पेपर से जो सील लगती है वो बात कुछ और ही रहती है। बाप दादा तो जमाने से चले आए, मैं सील लगाते हुए। अब तो मशीन का कहीं का बटन दबा, कहीं का आ रहा है, जी हो रहा है। आपने जब बटन दबाया तो पिछली बार विधानसभा किसका आया था? वो तो कमल का है, उसका आया था कांग्रेस का, जिसमें अपन दबाया था। मगर आजकल माल जो सुना में आ रहा है मोबाइलों पे, वही हम सुन रहे हैं। वाले बहुत होते हैं, बस ऐसे ही मीडिया वाले भी बहुत होते हैं भाई, मीडिया वाले बहुत होते हैं, जैसे आप हो गए ऐसे और भी मीडिया वाले हैं। बस लगता है कांग्रेस की सरकार आने चाहिए यार भाई, बहुत दिन हो गए मोदी जी, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। देखो 5 साल इस साल मोदी आ गया, 5 साल कांग्रेस आ गया, फिर आ गए तो भी कुछ नहीं, खा कमा रहे हैं, जूते चप्पल बेच ही रहे हैं। माहौल डड़ाके से चल रहा है, जैसा चल रहा है रोडों पे गाड़ी, ऐसा माहौल। गाड़ी तो बहुत चल रही है, बस यहाँ से ही वो बहुत चल रही है। किसके माहौल में? अब माहौल तुम सबसे पूछ ले, मैं देंगे का बैरम। जैसे देंगे वोट, जैसे पूछो ही मत ना, चलने दो गाड़ी जैसे चल रही है वैसी। अच्छा, बदलना नहीं है? काय को बदलेंगे, जो गाड़ी चल रही है चल रही है वो। तो राहुल जी 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 लाख में हम मॉल नहीं बिकने वाले। हाँ, हम तो फ्री के ही उमदा है भैया, जो दाल रोटी मिल रही है वही अच्छी है यार। मोदी जी अच्छे लगे? मोदी तो जरा से बच्चे से पूछ लो ना, हमसे काय को पूछ रहा है, मैं तो बूढ़ा हूँ। वो भी मोदी बोलेगा, वो भी मोदी बोलेगा। राहुल बोलना एक मौका मेरे को दे। अभी तो राहुल को पहचानत कौन है यार? हम तो जानते ही नहीं है भाई, राहुल रेत कैसा है? लाखनदास। अच्छा, माहौल किसका लग रहा चुनाव में? मोदी जी का ही लग रहा। अच्छा, मोदी जी क्यों पसंद है आपको? अरे पसंद नहीं साहब, अब सब जनता है पसंद, तो हमें पसंद, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ आप। ये है और का, अच्छे आदमी है वो वैसे। राहुल गांधी, अब यार उनको पता, अपन कैसे बता दें, अब अपन उनकी जानकारी है, अब राहुल गांधी जी की अपन थोड़ी है, जो है ना सिस्टम। लाडली बहनों को दे रहा है, अपन को दे रहा है, गल्ला फेरी सब कुछ फेरी, कितनी सुविधा कर दी। कांग्रेस बोलती मियां भाई हमारे साथ हैं। देखो कांग्रेस तो कुछ भी बोले, जो सबका साथ सबका विकास हो उसके साथ मियां भाई हैं। भाई उसने सबके साथ तो कर रिया है, जो थोड़ी है कि मियां भाइयों के साथ नहीं कर रिया। तो अपन कांग्रेस में जाओ या किसी में जाओ। और जो राहुल गांधी हैं, अरे राहुल माहुल गांधी को देखा किसने? राहुल माहुल गांधी को कोई ने नहीं देखा था, कोई नहीं पहचानता। मोदी, अरे मोदी सही आदमी है साहब, एक नंबर, एक नंबर। मोदी अच्छा विकास करवा रहा, देखो कितना विकास करवा दिया अपने इधर। नाम क्या आपका? शब्बीर अहमद। तो बताइए अहमद जी, किसका माहौल है यहाँ? बीजेपी का। राहुल गांधी? राहुल गांधी उनकी जगह पे पूछाने, उनकी भाई उनसे अपना क्या ताल्लुक, उनसे हमें क्या फायदा है? वो कहते हैं मियां भाई हमारे साथ रहते हैं। गलत है, वो धोखा दे रहे हैं, धोखे में लोग जुड़े उनसे, धोखा दे रहे हैं। 70 साल में काम किया मुसलमानों के लिए उन्होंने? नहीं कुछ नहीं करा, करा होता ये स्थिति नहीं होती। अब हो रहा है मुसलमानों के लिए काम, काम मुसलमानों के लिए अब जो कायदे से हो रहा है वो पहले नहीं हुए, सब धोखे। मोदी जी के साथ हैं सारे? मोदी जी के साथ हैं। वोटर हैं आप? अभी नहीं है, 1 साल बाद आएंगे अपन। 1 साल बाद आएंगे जी। तो किसे करते अगर वोट डालते? अपन देते मोदी को। अच्छा जी, मोदी को क्यों देते? नहीं मोदी अपना मैन है, फेवरेट है। अरे यार वो अपना समय बड़ा एक वो है, वो अपना समझ लो तुम तो आप कुछ भी। अच्छा हाँ हाँ, दिल वाला आदमी है अपना। राहुल गांधी? राहुल गांधी कैसे बताएं यार आपको, आप बढ़िया व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है वो भी। अच्छा। एक हिसाब से वो भी बढ़िया व्यक्ति है। उसे नहीं, उन्हें दिन नहीं देंगे? नहीं यार उनको नहीं दे पाएंगे। अरे 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं घर में, 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, इतना भी लालच बुरा रहता है यार, इतना भी लालच नहीं, खरीदार नहीं है अपना। घर में तो वोट डालते होंगे? हाँ डालते, मम्मी पापा भैया भाभी। एक और देंगे वो वोट? मोदी को देंगे सब। राहुल गांधी 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं भाई, बहुत। नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए ऐसा, हमसे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। हाँ, जो देश के लिए कर लड़ेगा, राम मंदिर बनवाया मोदी जी ने, 370 हटाई और भी कई मुद्दे किए हैं उन्होंने। हमको देश चाहिए पहले नंबर, 1-1 लाख रुपए का हम क्या करेंगे? 1 लाख नहीं चाहिए? नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं। बहुत मेहनत लगती है 1 लाख कमाने में। अरे हमको 1 लाख कई, हमको हमारे कई 1 लाख हमारे वसूल हो गए, जब हमारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, भगवान श्री राम 500 वर्षों बाद अपने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होकर मंदिर में बैठे थे, जब ही हमारे 1 लाख, हमें 10 लाख रुपए मिल गए थे हमको जब ही।
जब हमारे राम भगवान हमारे मंदिर में बैठे थे जब ही हमको हमारे पैसे वसूल हो गए थे। अच्छा। मोदी के भक्त हैं, एमपी के मन में मोदी। अच्छा। जी राहुल गांधी बोलते हैं मोदी के भक्त जो हैं वो अंधभक्त हैं। नहीं नहीं, हम अंधभक्त नहीं, नहीं हमको सब कुछ दिख रहा है क्या सही है क्या गलत है, और जनता सब जानती है, जनता को सब कुछ दिख रहा है क्या सही है क्या गलत है, और जनता अपना निर्णय दिखाएगी। घर में कितने वोट हैं आपके? घर में मेरे लगभग परिवार में तो 200-300 वोट हैं मेरे। 300 वोट? जी, मतलब पूरा जितने भी परिवार है, चाचा बड़ा कमल, सब कमल, कई पीढ़ियां गुजर गई कमल में। अच्छा। हाँ, और फिर आगे वाली भी गुजरेंगी? आगे वाली भी गुजरेंगी, जो अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं। 300 वोट तो बहुत होते हैं जी। राहुल गांधी अगर आपके घर में आए बोले भाई 300 वोट हमें दे दो? नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम, मैंने बोला ना, हमारे पैसे तो उसी दिन वसूल हो गए थे। हाँ, उसी दिन हमारे मोदी जी के 15 लाख रुपए भी आ गए और सब कुछ हो गया हमको जब राम मंदिर बन गया। मेरे घर में 450 वोट, मतलब जितने भी पूरा खानदान है 450 वोट है भाई। तो इस बार किसको देंगे 450? 450 मोदी के पास जाएंगे, और तो और मेरे बच्चों को कहना नहीं, जब उनकी उम्र होगी तो पूरे टोटल मोदी को ही देंगे। मतलब जो अब छोटे बच्चे हैं जो 18 साल के कम के हैं वो कितने हैं? वो हैं ज्यादा से ज्यादा अपने लगभग हैं 13 या 14 वोट। अच्छा जी भैया, वो भी अब मोदी को जाएंगे? मोदी को जाएंगे। अभी हमारी पीढ़ी आ रही ना, बचपन से पीढ़ी आ रही है, तो वो मोदी को वोट जा रहा है। आज तक यानी इतने बड़े हुए हम, हमारे मम्मी पापा ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मोदी को वोट दिया है। अच्छा, कितने ठेले हैं आपके पास? हमारे पास हैं 60 ठेले। अच्छा जी भैया जी, इनकम बराबर? हाँ, साथ ही फेमस हैं। और जी तो कई लोग बोलते हैं रोजगार करो रोजगार करो, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। जी भैया जी, और ये बोलते हैं तुझ पे मेरा दिल आए ना आए, तुझ पे मेरा दिल आए ना आए, मगर पानीपुरी पे हर बार दिल आता है।